कंट्रीज को इस गेम जॉनरा से खतरा है, स्पेशली जब इसकी पॉपुलैरिटी बाकी देशों में भी जा रही है। कुछ कंट्रीज ने इन गेम्स को इलीगल डिक्लेयर कर दिया है और कुछ ने लॉ क्रिएट किए हैं इस गेम के रिलेटेड। ऑल राइट वीप्स, हम सबको गेम पसंद है, लेकिन अगर मैं तुम्हें बोलूं कि गेम्स का एक ऐसा जॉनरा है जो कि तुम्हें पसंद करता है, तुम्हारे पैसों को, और कैसे वो तुम्हारे ब्रेन के साथ खेलता है और तुम्हें एडिक्टिव बना सकता है। एंड मजे की बात यह है कि ये गेम तुमसे पैसे चाहते हैं, बट ये गेम्स तुमसे पैसे लेते नहीं। तुम इन गेम्स को फ्री में खेल सकते हो। नाउ तुम में से बहुत से लोग समझ ही गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। गाचा गेम्स, स्टार्ट करो बिंगो। नाउ अगर तुम्हें नहीं पता कि गाचा गेम्स है क्या, तो लेट मी एक्सप्लेन। सिंपली बस तुम्हें एक आइडिया दे देता हूँ, इसकी हिस्ट्री हम बाद में देखेंगे। गाचा गेम्स बेसिकली ऐसे गेम्स होते हैं जिसमें तुम इन गेम करेंसी का यूज करके रैंडम कैरेक्टर्स, वेपन्स, आइटम्स पे विश कर सकते हो, कलेक्ट कर सकते हो। नाउ जो इन गेम करेंसी है उसको भी तुम खरीद सकते हो विथ रियल मनी। एंड कुछ गाचा गेम्स ऐसे भी हैं जिसमें तुम गेम खेलकर वो करेंसी कमा सकते हो। नाउ तुम्हें समझ में तो आ गया होगा कि गाचा गेम्स है क्या, एंड एट द सेम टाइम तुम सोच रहे होगे तो गाचा गेम और नॉर्मल गेम में डिफरेंस क्या है, क्योंकि नॉर्मल गेम में भी तो हम पैसे डालते हैं। लाइक BGMI में हम परचेस करते हैं, फोर्टनाइट में हम स्किन परचेस करते हैं, वैलोरेंट में हम स्किन परचेस करते हैं, तो डिफरेंस क्या है? वेल, देयर इज अ बिग डिफरेंस। देखो जो नॉर्मल गेम्स हैं, अगर उसमें तुम पैसा डालोगे तो तुम्हें पता है हाँ भाई यही मिलने वाला है मुझे। यानी कि अगर तुम बैटमैन की स्किन परचेस करोगे तो तुम्हें वही मिलेगा, लेकिन गाचा गेम्स में बैटमैन की जगह तुम्हें टट्टा मैन भी मिल सकता है। खराब हो जाएगा, मैं अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी। गाचा गेम्स लक पे डिपेंड करता है। यस, कैरेक्टर हो गया, वेपन हो गया, आइटम हो गया, वो सबका ड्रॉप रेट होता है जो कि 7% हो सकता है, 10% हो सकता है, डिपेंड्स ऑन द गेम। यानी कि इतने चांसेस हैं वो कैरेक्टर तुम्हें मिल सकता है। नाउ तुम्हें पता है कि गाचा गेम क्या है, और तुम्हें ये भी अब पता है कि गाचा गेम और नॉर्मल गेम में डिफरेंस क्या है, बट तुम्हें ये नहीं पता कि ये जॉनरा इतना डेंजरस क्यों है। नाउ एक कंट्री है जिसको इसके डेंजर का पता था और कैसे इसका मिसयूज किया जा सकता है, एंड वो है जापान। नाउ जापान ही क्यों? नाइस क्वेश्चन, बिकॉज जापान ने ये फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस किया है गैम्बलिंग। नाउ गैम्बलिंग क्यों? वेल, पहले हम इसकी हिस्ट्री देख लेते हैं। गाचा गेम इंस्पिरेशन है कैप्सूल टॉय वेंडिंग मशीन्स का, जिसको जापानीज में बोला जाता है गाचा पॉन। देख रहे हो, नाम में ही सिमिलैरिटी है। एंड बाय द वे, गाचा पॉन PON वाला है, कुछ और मत समझ लेना। गाचा पॉन जापान में शुरू हुआ था अराउंड 1960। तुम्हें ऐसे मशीन्स देखने को मिलते थे जिसमें बस तुम्हें एक कॉइन डालना है और वो मशीन तुम्हें एक ब्लैक बॉल देता था। उस ब्लैक बॉल में कुछ भी हो सकता है, कोई भी रैंडम आइटम हो सकता है, एंड यही इस गेम का मजा है। और इसी वजह से ये मशीन्स पूरे जापान में पॉपुलर हो गई, एंड इसका सक्सेस वीडियो गेम इंडस्ट्री ने देखा और उन्होंने भी कॉपी पेस्ट मारा। नाउ वीडियो गेम्स में भी तुम पैसे डालकर वर्चुअल रैंडम आइटम्स कलेक्ट कर सकते थे, जो कि बहुत पॉपुलर हुआ जापान में। नाउ यही चीज वीडियो गेम से चला गया मोबाइल गेम्स में ड्यूरिंग 2010, जो कि तुम जानते ही हो मोबाइल गेम कितना बड़ा मार्केट है। नाउ गाचा गेम्स इतना पॉपुलर हुआ कि वो सिर्फ जापान में ही नहीं बट कोरिया, चाइना और वेस्टर्न कंट्रीज में भी पॉपुलर हुआ। इतना पॉपुलैरिटी और अटेंशन जब मिला, उसके साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आई, ऐसी प्रॉब्लम्स जो कि जापान तो फेस कर ही चुका है बट मे बी इंडिया भी फेस करे इन फ्यूचर। एंड आई थिंक बहुत से लोग समझ नहीं पा रहे कितना बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है पूरे गेमिंग को। लेट मी एक्सप्लेन, बहुत से लोग इस गाचा गेम्स को और ये जो कंपनियां हैं जो कि ये गेम्स बना रही हैं,
उनको गैम्बलर्स का टैग दे रही है। लाइक बेसिकली बोल रहे हैं ये तो बस गैम्बलिंग है, गेमिंग वेमिंग कुछ नहीं। गेमिंग पे तो इन कंपनीज का ध्यान भी नहीं है और क्वेश्चन उठने लगे जैसे कि गैम्बलिंग तो एक अडल्ट ही कर सकता है बाय लॉ, लेकिन यहाँ पे ये बच्चे जो कि मोबाइल में ये गेम खेलते हैं और पैसे डालते हैं ताकि वो अपना फेव आइटम कैरेक्टर पावर अप कुछ भी कलेक्ट कर सके, एंड सिंस ये रैंडम रहता है तुम्हें पता नहीं रहता है कि कितने पैसे डालने पे तुम्हें तुम्हारा मनचाहा आइटम मिलेगा, तो यंग प्लेयर्स और एडिक्टेड लोग इस गेम में बहुत सारा पैसा डालते हैं और ऐसे बहुत सारे केसेस हुए हैं जापान में एंड अराउंड द वर्ल्ड। आजकल तो तुम्हें इंडिया में भी ये सब देखने को मिलेगा, न्यूज चैनल्स पर हमेशा आता रहता है कि कैसे बच्चे ने मम्मी पापा के बैंक का पूरा पैसा उड़ा दिया। मुझे तुम लोग का नहीं पता, अगर ऐसा मैंने किया होता तो मेरे पापा मुझे इस दुनिया से उड़ा देते। एंड आई थिंक गाचा गेम्स को बहुत सक्सेस मिल रहा है और बाकी के जो नॉर्मल गेम्स की कंपनियां हैं मे बी वो भी ऐसा गाचा सिस्टम डाले अपने गेम में जहां पे तुम पैसे डालकर पता नहीं क्या क्या वर्चुअल चीजें खरीद सको। एक बात तो है, गेम्स जैसे हुआ करते थे वैसे नहीं है, जहां पे तुम्हें सिर्फ स्किल से अपना अकाउंट बेटर बनाना है या फिर कैरेक्टर अनलॉक करना है। जो लाइन है बिटवीन गाचा गेम्स और नॉर्मल गेम्स वो धीरे धीरे मिट रहा है। तो ऐसे में ये कंट्रीज कर क्या रही हैं इसके बारे में? जैसे जैसे ये जॉनरा पॉपुलर हो रहा है अराउंड द वर्ल्ड, क्या कंपनियां इसका मिसयूज नहीं कर सकती? वेल लेट्स लुक एट द कंट्रीज, उन्होंने क्या किया है इसके बारे में। कंट्रीज लाइक नेदरलैंड एंड बेल्जियम ने गाचा गेम्स को एक तरह का गैम्बलिंग डिक्लेयर कर दिया है और इलीगल किया है अंडर द गैम्बलिंग लॉ। और ये देखकर जो कंपनियां हैं जो ये गेम्स बनाती हैं उन्होंने तो गाचा एलिमेंट ही निकाल दिया है इन रीजन्स के लिए। और जापान में भी लॉज हैं जो कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन गेम्स को रेगुलेट करती हैं। नाउ मैंने बहुत कुछ बोल दिया है गाचा गेम्स के बारे में एंड मुझे नहीं लगता कि सारे ही गाचा गेम्स बैड हैं। बहुत से ऐसे भी गाचा गेम्स हैं जो कि फ्री टू प्ले फ्रेंडली है, यानी कि विदाउट स्पेंडिंग मनी भी तुम गेम का पूरा मजा ले सकते हो, लाइक गेंशन इम्पैक्ट, होंका स्टार रेल एक्सेट्रा। लॉस चाहे कितने भी बन जाए, आई थिंक यंग प्लेयर्स जो कि गाचा गेम्स में नए हैं उनको इसके बारे में इंफॉर्मेशन होना चाहिए। एंड आई होप कि ये वीडियो तुम लोग को एक अच्छा आइडिया दे दिया होगा कि गाचा गेम्स है क्या और क्या प्रॉब्लम ये गेम ला सकता है। बट एक बात है, पिछले 10 सालों में बहुत सारे इम्प्रूवमेंट हुए हैं, जैसे कि मोर ट्रांसपेरेंसी, ड्रॉप रेट को लेकर, इनका गाचा सिस्टम कैसे वर्क करता है उसको लेके। सो जो मॉडर्न गाचा गेम है वो बहुत ही अच्छा है अगर तुम इसे कंपेयर करोगे पुराने वालों से, और यही रीजन है गाचा गेम आज सक्सेसफुल है अराउंड द वर्ल्ड। एंड आई थिंक बहुत कुछ तुम लोग को पता चला होगा और मुझे भी बहुत कुछ पता चला जब मैं इस टॉपिक पे रिसर्च कर रहा था। नाउ अगर तुम इस वीडियो पे लाइक करोगे और चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो मुझे पता चलेगा कि तुम्हें ऐसे वीडियोस चाहिए इन फ्यूचर, और मुझे सही में बहुत मोटिवेशन मिलेगा ऐसे ही टॉपिक्स पे वीडियो बनाने के लिए। मिलता हूं मैं तुम लोग को नेक्स्ट वीडियो में, बाय।